सोच है, लोग अपने तौर पर इकट्ठे होकर सारा इस वेल की स्थिति की वो जानना चाहते हैं। थां थां रैलियां हो रही है, लोगों को तैयार करने वास्ते भी लंबा चलना अंदोलन ये चल रहा, वो मुहिम के तौर तहत ही यह इतने की अच महारैली सी। जो संयुक्त किसान मोर्चे का अगला रोड मैप की है, की प्लान है अगला? वो जदों जो अं फैसला करते मीटिंग करने बाद उसी करते जो अगला हो जाएगा तो अभी जमेंगे। फिलहाल ये साड़िया जो कॉन्फ्रेंस चल रही हैं या बाहरले स्टेटा के जिते जिते कोई बंडी हुई है ड्यूटी, कोई जी ड्यूटी लगती उत्थे जाता, सारे देश में इस तरह के प्रोग्राम चल रहे हैं, कल पंजाब से नहीं, पंजाब का हाली घट ने, बाहरले सूबे में होर ज़्यादा ने। जो 26 तरीक का प्रोग्राम की लिखा गया, 26 तरीक न भारत बंद की फॉल दी है, सारा कुछ मुकम्मल बंद है, लोगों को अपील है कि सारे मिलकर सहयोग दें, क्योंकि ये मोर्चा जोड़ा बड़ी स्पष्ट गल है, कल किसानों का नहीं, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट जो सारे आम लोगों भी बर्बाद कर देगा, जिंदगी जीनी औखी हो जाएगी, सारा कुछ कारपोरेट के गोदामों बंद करने की तैयारी हो रही है, जोड़ा असं होने नहीं देना, तो इस करके सारे रल के नवे लेबर लाज आ रहे हैं, वो किसी लोग भी जोड़े मीडिया है वह भी प्रभावित होता है, तो इस करके मैनू उड़ीसा कोई सर्कल मिल रही थी, उन्होंने दस रहे थे कि किस तरह जोड़ा इन्होंने नव कानून बनाया भी 300 तो घट मुलाजम उन्होंने जब मर्जी छुट्टी कर दो, अखबारों दियां कंपनियां ने एक अपने तीन तीन कंपनियां बनाने लग पे, जोड़े फील्ड में काम करते हैं, पत्रकार ने उन्होंने एक कंपनी, जोड़े बंडल बनाने उन्होंने एक कंपनी, जोड़े छपाई का काम करते हैं एक कंपनी, ताकि 300 तो घट गिनती रख के जब मर्जी थोड़ी छुट्टी कर दी है, इदा के कानून बना दते, फिर 8 घंटे की बजाय 12 घंटे ड्यूटी वो भी करता, किसानों ने रोज़ नवा एक मुसीबत खड़ी होंगी है, ये तिने कानून नहीं रहे, अज FCI तोड़न की तैयारी हो रही है, पंजाब नूं कहिंदे ने जी तुसीं फर्दां दिओ ते तां तुहानूं पेमेंट करांगे, फर्दां लई घट्टो घट्ट 1 महीना पहलां रजिस्टर कराओ, 20 दिन पहलां चिट्ठी आउंदी है हाड़ी की वाढ़ी तो, ये 1 महीना पहले रजिस्टर करवाना, कोई खाना जी का करता है नहीं, इतों तुम सर्विस सेंटर तो फर्दा कटाई उ फिर साढ़े 3-3 पुश्तों तो खाते सांझे ने वो असी तकसीम नहीं कीतियां हुई, फिर 40% जमीन ऐसी है पंजाब की जी ठेके है या बाहर बैठे ने लोग या जोड़े इतने लोग बिजनेस करते हैं कोई नौकरी करता है वो ठेके से आते हैं, जी जी ठेके की जमीन है वो मालिक को पैसे जाने के उन्हें पहले ठेका लिया फिर मालिक ने फिर झगड़े होने, एक खेड है जान बुझ के भारत सरकार वालों की जा रही मंडी चो भजन की ताकि मंडी चो ही पैसे इसी तरह राजनीतिक पार्टी बना के चोणां लड़ियां जाणते तो आड़ा की स्टैंड इस संबंध में असीं बड़ा डॉक्टर दर्शनपाल ने बड़ा साफ कहता असीं इस पासे नहीं साडी कंसंट्रेशन टोटल इस वेले HTC ते पोलिटिकल लोग इदां दीआं गल्लां छड्डण वास्ते कोई बंदे भेज दिंदे मैं बड़ा स्पष्ट कहा भई अंदोलन पीक ते चला गया सरकार करदियां हुंदियां ने काम भी किसी तरह लीडरशिप तो विश्वास उठे किवें लोकां च गलत फहमी पैदा होवे उहदे लई चलदा रहिंदा पर अंदोलन अपने तां चल रहा इहदे च हाले कोई पॉलिटिक्स की कोई संभावना नहीं कोई गल्ल बैरीकेड्स तोड़े जाणगे होर इदां दी गल्लां कीतियां ने तुसीं की समझदे सी? देखो जी बंगाल में मैं अज ही जो मैसेज मिले 92% किसानी जी कानून के मसले से साढ़े नाल है 8% लोग है जो भाजपा की और पार्टी की गल सुन तैयार है उत्थे तो भाजपा की बहुत इकजुटी हो रही है असी उत्थे कह के एक चिट्ठी जारी करके आ गए जिहड़े इत्थे किसान बैठे ने 4 महीने तो घर नहीं गए असी उन्होंने कहा भी 300 तो बाद किसान शहीद हो चुका मोदी सरकार को कहने कुछ नहीं हूँ चुप करके बह गए वो कहते हैं जी गलबात गलबात कि करिए सरकार की ड्यूटी होंगी गलबात करने वास्ते सदा देर की असी तो हर वेले तैयार हैं गलबात लई उन्होंने कोल कुछ है ही नहीं वो हर पहलू तो फेल हो चुके हैं तो इस करके सरकार आप भजदी है
ਵਾਸਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਦਮ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਰਸਿਸ ਆਮ ਲੋਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਬਚਣਾ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਾਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਟੋਟਲ ਮੈਕਨਾਈਜ਼ ਸਿਸਟਮ ਹੋਣਾ, ਲੇਬਰ ਕਲਾਸ ਟੋਟਲੀ ਵਿਹਲੀ ਹੋ ਜੂ, ਔਰ ਮੰਡੀਆਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ, ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਲੇਬਰ, ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨੀਮ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ, ਔਰ 100% ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੇਸ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਸਹੂਲਤ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਖਰਚਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਪੈਨਲ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਕਰਾਈਆਂ, ਔਰ 12-12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਲੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਦਿਨੇ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 12-12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਮੋਹਰੀ ਰੋਲ ਆ। ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਔਰ SGPC ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਠਹਿਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ, ਜਦੋਂ 1 ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਸੌਂਦੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਅਤੇ ਜਦ ਨੂੰ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਖਾਸ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਹਨ ਅਤੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਭਰਮ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕੁਛ ਫੋਰਸਿਸ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ। ਜਿੱਦਣ ਯੂਥ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਕਸੀਮਮ ਕੱਟ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਕਿਆਂ 'ਤੇ, 5 ਨਾਕਿਆਂ 'ਤੇ। ਜਿੱਦਣ ਵਿਮੈਨ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਉੱਥੇ ਵਰਲਡ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਕੁਛ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦਾ ਉਲਟ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕੇ। ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ IT ਸਾਹਿਬ SGP ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, 3700 ਬੰਦਾ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਰੋਜ਼ ਝੂਠੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਵੀ IT ਸੈੱਲ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਬਹੁਤੇ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ, ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਤੱਕ ਹੀ ਪਰਚੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ IT ਸੈੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਦੋ ਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਹੱਲ ਦੱਸੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚ ਜੇ, ਇਹਦੇ ਮਾਨੇ ਕੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪੈਣ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਹਾਂ ਲਮਕਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਇਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ।